हेलो हेलो माय टेस्टी 1 2 3 दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है आदित्य। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जेम्स मूवी के बारे में। तो 17 मार्च को पुनीत राजकुमार जी के बर्थडे के दिन ये मूवी थिएटर में रिलीज कर दिया गया पैन इंडिया फिल्म के तौर पर। लेकिन मैं इसे पैन इंडिया फिल्म नहीं बोलूंगा, साले बेइज्जती किया है पुनीत राजकुमार जी को। मैं इतना गुस्सा हूँ, इतना गुस्सा हूँ क्योंकि हिंदी में कहीं पर शो ही नहीं लगा है। किसके लिए नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस कारण के लिए नहीं लगा है और जिसके लिए भी नहीं लगा उन लोगों को साले मैं जानता तो अभी जाकर ढूंढ के साले को पीटता और मारता। साले पुनीत राजकुमार जी जो कनाडा के सुपरस्टार पावर स्टार थे वो गुजर चुके हैं, ये बोलने में कितना दर्द होता है। उसका लास्ट फिल्म है भाई, आप लोग क्या कर रहे हो यार। और एक चीज दोस्तों, 2-3 साल पहले की बात है जब मैं पुनीत राजकुमार जी को उतना अच्छा नहीं जानता था। मैं देखता था उनका मूवी राणा विक्रम, राजकुमार एटीट्यूड ठीक है, साउथ का कोई बड़ा स्टार होगा ऐसे ही मानता था। लेकिन 2021 साल में मैंने यवर थाना मूवी देखा पुनीत राजकुमार जी का, तब मैं उसका डाई हार्ड फैन हो गया। क्या एटीट्यूड थे, क्या स्टाइल था, क्या डांस स्टेप थे, 46 के लग ही नहीं रहे थे। लेकिन इतने इतना 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 दुख की बात है, साले ऐसे अच्छे लोग उनके नाम पे कितना वृद्धाश्रम चल रहा था, कितना अनाथालय चल रहा था, कितने लोगों को सहायता किया है। इतना अच्छा लोग कैसे जा सकते हैं, भगवान ऐसा कैसे कर सकता है। जैसे बॉलीवुड में कैसे चिंदी चोड़ वाले जिन सारे लोग हैं उन लोगों को साले नहीं उठाते और मेरे को भी उठाते, मैं भी तो साला धरती का बोझ ही हूँ, मैं क्या वो खड़ा हूँ। पुनीत राजकुमार जी रहते तो बहुत सारे लोगों का उपकार होता, कितने अनाथ बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा मिलती। लेकिन क्या करे दोस्तों, बहुत दुख की बात है ये। तो देखिए दोस्तों, मैं एक छोटा आदमी हूँ, बातों के अलावा कर भी कर सकता हूँ, और मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ जो मेरे आवाज बहुत दूर तक पहुंचे, यहीं पर ही दब जाएगा। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी का हिंदी शो तो बहुत ही कम लगा है, लेकिन मैंने हिंदी में मूवी को देखा। हिंदी डब ठीक ठाक है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये मूवी एक फुल एक्शन मूवी है। इसका जो म्यूजिक है बहुत ही लाउड है, कानों में थोड़ा सा बज रहा था, लेकिन धड़ाधड़ एक्शन जब हो रहा था ना तो ये दिल मानने के लिए मजबूर ही नहीं था कि पुनीत राजकुमार जी हमारे बीच नहीं है। ऐसा लग रहा तो वो हमारे बीच ही है, कहीं पर है, हमें बस दिखाई नहीं दे रहा है। तो बहुत कष्ट हो रहा था मूवी देखते समय, बहुत ही कष्ट, एक्शन देख के भी बहुत ही कष्ट हो रहा था। तो प्लीज़ 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 आप लोग मूवी को थिएटर में देखने के लिए कोशिश कीजिए, अगर आसपास के थिएटर में लगा है तो क्या बोलो दोस्तों, ये मूवी को मिस मत कीजिए। लास्ट मूवी है, बहुत ही इमोशनल हो गया था मैं मूवी देख के। इतना एक्शन हो रहा था, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन मूवी का लास्ट में पूरा इमोशनल हो गया, मैं थोड़ा सा रो भी पड़ा था। और क्या रिव्यू करूँ मैं, और क्या बताऊँ दोस्तों, और कुछ शब्द नहीं है मेरे पास, कहानी के बारे में क्या बताऊँ। लास्ट में जाके देखो प्लीज़, थिएटर में देखने के लिए कोशिश करो प्लीज़ 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 दोस्तों। आज का वीडियो यही तक था, मैं जितना बोल पाया उतना मैं बोला। आप लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय।